तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। खदान में जिन बंदों को जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था ना, वो सारे बंदों को अपने ये क्यों आजाद करवा देता है। वो सारे बंदे कहते हैं शुक्रिया आपका, बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, हमने डिसाइड किया है हम आपके फॉलोअर यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि अगर हम अकेले बाहर यहाँ पे गए तो हर जगह डेमोन यहाँ पे घूमते रहते, डेमोन हमारी जान निकालेंगे। अपना ये क्यों कहता है कि भाई वहाँ डेमोन जान निकालेंगे, यहाँ पे रहोगे तो जो मोटर कल्टिवेटर से वो लोग आपकी जान निकालेंगे। मन ही मन सोचता मैं खुद अपनी जान निकालने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, तो वही मुझे फॉलो करके क्या मतलब होगा। वो लोग कहते हैं लेकिन तो भी आपके फॉलोअर यहाँ पे बनना चाहते हैं, बाहर गए तो डेमोन से फालतू में बनेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा पानी करते करते मरेंगे ना, हमारे लिए घर वाली मौत होगी। ये क्यों भी लाइक भाई वहाँ पे भी लोग ऐसे बोलते थे और यहाँ के भी लोग ना सेम बात यहाँ पे रिपीट करने लगे। उतने में आवाज आती है भाई भागो भागो दुश्मन अटैक करने आ रहा है, तो ये लोग भी कहते दुश्मन अटैक करने आ रहा है। ये लड़का है ना वो चेक करने जाता तो सच्ची में जो डेमोन लोग यहाँ पे थे ना भाई, डेमोन लोग अटैक करने के लिए आ रहे भाई। अरे ऐसे कैसे भाई, क्योंकि हमारा जो एरिया ना खदान के एरिया बाकियों से एकदम दूर यहाँ पे था। जो डेमोन यहाँ पर आया था ना, जो अपने ये क्यों को जानता भी है, पहले मिल भी चुका था, कहता भी वो आदमी तो वापस आ गया, पीछे तेरे दुनिया में थे लेकिन इस समय अपने दुनिया के अंदर है। तो फाइनली जो हमारी यंग लेडी मोली है ना, हमको लौटा दो। अपना ये क्यों कहता है इस बार मैं तुम्हारे एरिया में आया हूँ, तुमको क्या लगता है तुम्हारी मोली लौटाने के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं लौटाऊंगा। तो ये लोग भी नोटिस करते हैं कि एक सेकंड, उस डेमोन ने इस बच्चे को यंग लेडी बोला। यंग लेडी को जो प्रिंसेस लोग या फिर जो मालकिन की जो बेटी लोग रहते हैं उनको कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इनकी जो डेमोन किंग है ना ये डेमोन किंग की बेटी है। ऐसा हो सकता है अगर ये बच्ची हमारे हाथ में आ जाएगी और अगर हमने इसको हमारे इमॉर्टल कल्टीवेटर जो लॉर्ड है उनके हवाले कर दिया तो मुझे कितना फायदा मिलेगा। सामने से डेमोन कहता है वो यार तुमको लगता है हमारी बात यहाँ पे नहीं मानना, तो भाई मरो भी सी। इतना बोलकर अपने साथियों को बोलता है अटैक करो, तो सब लोग जो तोप का गोला है तोप का गोला लेके चलाने वलाने यहाँ पे लग जाता है। हाँ तो भाई सिटी के गेट को लगता है सिटी का गेट ऐसा हिलता बिलता है। ये आदमी को गुस्सा आता है, अरे यार ये आदमी पागल है क्या, ये क्यों पागल है क्या, डरे कि इसने पंगा वंगा यहाँ पे ले लिया। यार वो डेमोन लॉर्ड का ना पर्सनल जनरल यहाँ पर है, तो आगे जाता भी है समझाता भी कि हमारे पास जब तक ना इमॉर्टल कल्टीवेटर का सपोर्ट यहाँ पे नहीं रहेगा तो इसके सामने जितना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन यहाँ पे हो जाएगा। अपने ये क्यों कहता है टेंशन ना लो, ये तो बिंदास आगे खड़ा है कि भाई अटैक लेगा मौत हो जाए, लेकिन नहीं होता। तो सिस्टम में लिखे आता है कि भाई आपने अभी मरने की कोशिश की थी लेकिन आप नहीं मर पाए, तो बदले में जो भी कुछ था ना उसका हम पॉइंट कन्वर्ट करेंगे 100 लक पॉइंट जो कि आपके डायनेस्टी को जाता है, जिससे भाई 630 ऐसा पॉइंट हो गया और लगभग 730 आपने जो क्यू आई लक स्टोन है ना वहाँ से कलेक्ट कर लिया। सामने से डेमोन जनरल कहता कि वाह यार मुझे लगा ना डर के मारे तू अंदर छुप जाएगा, लेकिन तू तो सामने बिंदास आके खड़ा यहाँ पर हो गया। तो ये भी कहते मैं डरपोक यहाँ पे नहीं हूँ, मैं तुम नल्ले यहाँ पर हो, अगर तुम्हारा निशाना यहाँ पे सही होता ना तो मुझे लग जाता। वो सारी बातें छोड़ो यार, तुम्हारा जो डेमोन किंग है भाई वो डेमोन किंग है, जाहिर सी बात है किंग यहाँ पर एक दो बीबियाँ तो होगी नहीं, ढेर सारी बीबी होगी, तो जाहिर सी बात है ढेर सारे बच्चे भी होंगे। जब उसके इतने सारे बच्चे यहाँ पर, तो स्पेशली जो मोली है ना मोली के पीछे काई को पड़ा हुआ है, ऐसी क्या बात है मोली के अंदर। और जनरल भी चला था डेमोन का, भाई तुझे उससे क्या, तुझे उससे क्या, चुपचाप जो मोली है ना मोली हमारे हवाले कर दे। अपने ये क्यों कहता है अगर सची में तुम्हारे डेमोन किंग को अपनी बेटी से इतना ज्यादा प्यार यहाँ पर है ना, तो मेरी दो कंडीशन यहाँ पर है, दो कंडीशन पूरी करे। सबसे पहली कंडीशन है कि खुद यहाँ पर आए और यहाँ पर आकर है ना सामने से मिले अपनी बेटी से, हम उनके इंतजार करें। और सेकंड, यह तुम लोग बड़े नल्ले बेरोजगार यहाँ पर लगता है, तुमको खाने पीने चीजें मिलती नहीं है, तुम्हारे अटैक में तो बिल्कुल भी दम यहाँ पर नहीं था। जैसे ये लाइन हमारे बंदे सुनते ना वो लोग चौंक जाते कि ये क्यों पागल वागल के डेमोन लोग को कमजोर नल्ले बेरोजगार यहाँ पे कह रहे, मरने का शौक है क्या इनको। हाँ उसको सच्ची में मरने का शौक है। जो डेमोन लोग थे भड़क जाते कहते साले तेरी इतनी तूने हम डेमोन लोग का मजाक उड़ाया अब बेटे तू तो मरेगा। तो सामने से वो सभी ऐसा अटैक वटैक करने को तैयार हो जाते हैं, अटैक वटैक कर भी देते हैं, ये बच बच जाता जैसे तैसे, मतलब बच ही जाता है बस और क्या। सिस्टम में लिखा तो माय गॉड आपके बिहेवियर से लगता है ना आपने फिर से मरने की कोशिश की लेकिन बच गए, तो बदले में आपको 400 पाउंड यहां पे मिलेगा। तो मिला जुला के ना टोटल 1030 पाउंड होता है जो कि 1000 से ऊपर आता है, 1000 की लिमिट थी। तो इसके बाद ना इतना पाउंड आप यूज कर सकते हो अपना जो दुनिया ना दुनिया का लेवल अप करने से, जिसका आपका दुनिया ना वो एक लेवल हाई चला जाएगा। अभी के लिए जियांग नाम का स्टेज था दुनिया का, उसके ऊपर शुआन नाम का स्टेज यहाँ पे आता है, वो स्टेज पे चल जाएगा। ये भी सोचता हूँ कि मेरे दुनिया का लेवल अप हो जाएगा, आई डोंट नो इससे मैं दुनिया का क्या फायदा होगा, लेकिन ट्राई मार देता हूँ, इसे सिस्टम में डाल देता हूँ, ओके ठीक है। उतने में सामने जो था ना बंदा डेमोन वो जोर से अटैक तैयार कर लेता करने के लिए, और सामने से जिस डेमोन ने अटैक किया था डेमोन जनरल वो भी कहता हमसे बदतमीजी, जो बंदा करता ना उसकी ऐसी मौत होती है जैसे तेरी होने वाली है। हमारा ये क्यों भी देखता है कि वेल यार आई नो मुझे मरना है, इतना बड़ा अटैक है मर जाऊंगा ना यार, प्लीज यार मार देना मुझे। तो अटैक से धमाका होता, ब्लास्ट
टू लास्ट यहाँ पे हो जाता है। तो अपने जो बंदे लोग थे ना उनको विश्वास था, स्पेशली अपनी मौली को कुछ नहीं होगा, कुछ भी उनको नहीं होगा, बच जाएंगे। यही लड़का, इसको तो विश्वास ये था कि भाई मरा वो खत्म, उसकी जो हड्डियाँ ना उस साले की तो हड्डियाँ भी बची हुई नहीं रहेगी, मर गया साला। रही बात इस बच्चे का मौली, अब ये मेरी हो गई, इसको ले जाके ना हमारे लॉर्ड के हवाले कर दूंगा। लेकिन तभी सब लोग कहते हो माई गॉड ई का हो गया भाई, जल्दी से आके देखो। तो ये भी जाता, अभी ऐसा क्या हो गया, लेट मी सी। तो जैसे ये देखता ना इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। हाँ अपने सही समझा, अपने ये किंग सही सलामत था, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। डेमो लोग भी देखे हिले पड़े थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई ये जिंदा यहाँ पे कैसे। अपने ये किंग को भी गुस्सा था कि अरे यार मैं अपनी दुनिया में ऑलमोस्ट इनविजिबल था, वहाँ पे कोई नहीं मार पाता था, समझ आता था। सोचा यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे डेमो भी है, ये लोग जान निकाल सकते, लेकिन इनका अटैक भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। तभी सिस्टम यहाँ पे बताता कि ये दुनिया का पावर और आपका जो दुनिया जो कि अभी अभी हमने शुआन लेवल पे पहुंचा दिया है, हाँ लगभग बराबर अब यहाँ पे हो चुका है। तो जैसे आपका दुनिया का लेवल अप हुआ था, आपकी बॉडी में भी जो पावर है ना वो यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि भाई आप इसके वजह से यहाँ पे बच गए। तो ये सोचते एक सेकंड, यानी भाई मैं इस बार बच गया मेरे वजह से, अगर मैं अपने दुनिया का लेवल अप यहाँ पे नहीं ना करता हाँ तो इससे भाई अभी मैं मर जाता। शीट यार मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई साले, सिस्टम दोगले आदमी, तूने मुझे बताया भी नहीं इससे पहले। और तभी ना इसकी बॉडी में आई डोंट नो क्या होता है, ऐसा कुछ महसूस करता है। और इसके बाद ना सामने जो डेमो लगता है उनका देख के जोश आ जाता है इसके अंदर, और जोश के मारे ना अटैक करने के लिए सीधा आगे बढ़ जाता है, देख सकते हैं ऐसा खतरनाक मुंह बनाकर। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म, देखते हैं भाई कब इसका मिशन यहाँ पे पूरा होता मरने वाला। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।